बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, आज का हमारा मौजू अभी तक के जितने मौजूदात पे हमने बात की उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हम आज उन बुनियादी बातों पे बात करेंगे कि जो हैं तो बुनियादी लेकिन हम लोग उनको समझते नहीं हैं। मतलब आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असरात हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को शेप अप करती है। हम ये तो जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है और ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो बेसिक आइडियोलॉजी जो इसे ड्राइव कर रही है इस प्रोसेस को, वो है न्यू लिबरलिज्म, यानी कि आइडियल कैपिटलिज्म का ये रिवाइवल है। और कैपिटलिज्म जो है वो आप जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज के ऊपर जो है डिपेंड करता है और मार्केट फोर्सेज जो है वही आगे पॉलिटिक्स को भी इवन जो है वजह करती है। अच्छा, एक अब है ग्लोबल एलीट है, उसके नीचे मुल्कों के अंदर की एलीट है। अब ये जो मुल्कों की एलीट है जिसमें पाकिस्तानी एलीट जो है, इसके मफादात ग्लोबल एलीट के साथ जो है जुड़े हैं और वो ग्लोबल एलीट फिर डिफाइन करेगी कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान की तरह दूसरे मुल्क हैं उनको किस तरीके से चलना है ताकि उनके जो कमर्शियल मफादात हैं उनकी हिफाजत हो सके, उनके स्ट्रेटेजिक मफादात की जो है हिफाजत हो सके। और फिर इस तरीके से एक सिलसिला चलेगा कि अब तो खैर हाइब्रिड वॉर का जमाना आ गया है कि यहाँ का मीडिया, फ्री मीडिया जिसे आप कहते हैं, बेसिकली सरमायादार का मीडिया है और कोई मीडिया हाउस जो है वो फी सबीलिल्लाह के लिए तो नहीं बना है, वो बना ही कुछ मफादात की हिफाजत के लिए, उस सेठ की या उस सरमायादार की। उस सरमायादार के मफादात जो हैं ग्लोबल एलीट के साथ हैं, तो फिर वहां पे मैनिपुलेशन शुरू होगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूज शुरू होगी, माइंड मेकिंग शुरू होगी, ताकि वो ग्लोबल एलीट और वो जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके मफाद के मुताबिक जो है कंसेंट जो है वो क्रिएट कर सके उस मुल्क के अंदर जो टारगेटेड है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मान सफवी साहब, आप नेवल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज यूएस के ग्रेजुएट हैं, उसके अलावा एनडीयू से आप फारगुल तहसील हैं और स्टाफ कॉलेज नेवी का जो है वो तो हर ऑफिसर जो है सीनियर ऑफिसर ने किया होता है। तो हम आज उनसे बात करेंगे कि पहले तो सर वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। मेरा पहला सर आपसे ये सवाल है कि जो आईआर का सब्जेक्ट है वो क्यों अहम है जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसे समझने के लिए? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी जंग अजीम, पहली जंग अजीम के दरमियान का जो वक्फा है उसको अगर आप मॉनिटर करें तो उसके बाद से ये बड़ा ट्रेंड सामने आना शुरू हो गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो लीडिंग कंट्रीज हैं, उनके अपने मफादात जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में है और उनकी असर और सूख को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत लंबा पीरियड गुजरा जहां पर कॉलोनाइजेशन शुरू हुई, अफ्रीका को कॉलोनाइज किया, इंडिया कॉलोनाइज हुआ, इवन अमेरिका शुरू में कॉलोनाइज हुआ ब्रिटिश, जब ब्रिटिश अम्पायर फैलिए। तो उस वक्त से अब तक जो चीज बड़े वाजे अंदाज से सामने आई है वो ये मुल्कों के कमर्शियल इंटरेस्ट, मुल्कों के अपने मफादात बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड और इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड अलायंसेस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बन के सामने आए और उसके हवाले से जो जो वक्त गुजरा उसके हिसाब से चेंजेस आती गई लेकिन अलायंसेस बनते गए। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वॉर टू में रशियन का अलायंस था अमेरिका के साथ अगेंस्ट जर्मनी, जब जंग खत्म हो गई तो वही आपके एडवर्सरी बन गए। तो ये इस तरह की चीजें बड़ी वाजे अंदाज में सामने आई और सिर्फ एक चीज सामने थी, वो ये था कि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट क्या थे और उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या थे। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जो वहां की लीडरशिप को अपने साथ मिलाने के लिए लीडिंग जो मुमलिकतें हैं उन्होंने या तो IMF वर्ल्ड बैंक या कॉमर्स उसका सहारा लेके मैनिपुलेट किया या फिर जबरदस्ती अपनी फौज भेज के कब्जा करके उनके साथ डील किया। तो वन यू हैड टू टेक अ पोजीशन, आइदर उनके साथ है या उनके अगेंस्ट है। अपने मुल्क का मिसाल दूंगा मैं, लियाकत अली खान जब पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो जो अनक्लासिफाइड पेपर्स हो गए उन्होंने कर दिए, उसमें जब अमेरिका का इंटरेस्ट था मिडल ईस्ट में और अमेरिकन ने उस वक्त जो सदर साहब थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि वो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमें आप इंट्रोड्यूस कराएं मिडल ईस्ट में ताकि हम अपने उनके जो ऑयल्स हैं और उनकी तमाम चीजें उस पर हम आपके साथ मिलके और काम कर सके।
लियाकत अली खान ने कहा नहीं साहब ये मैं तो नहीं कर सकता, मैं अपने एज ए मुस्लिम कंट्री आई विल नॉट बिट्रे माई अदर थिंग्स, तो उसके बाद से ये तय हो गया कि उनको ही शुड बी एलिमिनेटेड, जो जो पेपर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा सामने की दैट ही इज नॉट देयर टू लुक आफ्टर आवर इंटरेस्ट, ये उनका टेलीग्राम था और उसको असैसिनेट करा दिया जाए। तो यूं ये खेल चलता रहा हर मुल्क में, चाहे आप पिनोकियो का इसलिए दूसरे ममालिक मिले, हर जगह जहां जहां इनके इंटरेस्ट खास करके अमेरिका के थ्रेटन होते थे उनके पास वो एक एक, एक क्या कहते हैं ब्लैक वाटर की टीम थी जो उनको ये ऑथराइज किया हुआ था कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट को थ्रेट करे या अमेरिकन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करे उनको आप एलिमिनेट कर दें। ये खेल चलता रहा। थोड़ा सा फर्क ये हुआ कि जब सोवियत यूनियन सेकेंड सुपर पावर, तो दोनों के दरमियान एक बैलेंसिंग एक्ट था जिसकी वजह से काफी हद तक दुनिया में स्टेबिलिटी थी और एक दूसरे को उन्होंने इस मुल्कों के साथ एक बैलेंस्ड तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये यूनिलैटरलिज्म शुरू हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का, इवन यूएन को भी उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा बना लिया। All the illegal wars that were fought in the last 30-35 years, 13 की 13, 14 जंगें हुई हैं इस दौरान दूसरी जंग अजीम के बाद, उसको देखिए उनकी सारी legalization जो हुई है वो through UN हुई है, और UN के क्योंकि 17-18% जो funding है वो अमेरिका करता है, तो इसलिए अमेरिकन had their way। तो ये सिलसिला चल रहा है और इस तरीके से ये बात हम लोगों को बड़ी वाजह तरीके से समझनी है कि जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा वो उनके खिलाफ वो काम करते रहेंगे। और हमारे मुल्क में जैसे मिसाल ले लीजिए जो हुकूमतें आई हैं उनकी भी आशीर्वाद से आई हैं, उन्हीं की मर्जी से आई हैं, जब उन्होंने देखा कि हमारे लिए काम नहीं कर सकते तो उन्होंने उनको फारिग करा दिया और हमारे अपने मुल्क में जो उनके मोल्स हैं उनके जरिए उन्होंने ऑपरेट किया और अपनी मर्जी की हुकूमत लाते रहे। मुझे याद आ गया 1953 में, 1953 में जब ईरान के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब थे उनको उन्होंने कू के जरिए फारिग किया, और अब बड़ा वाज़ेह अंदाज है कि किस तरीके से अमेरिकन ने ये बीइंग अ वेरी क्या कहते हैं चैंपियन है डेमोक्रेसी के और फ्रीडम ऑफ प्रेस के और फ्रीडम ऑफ स्पीच के सारा कुछ, लेकिन वो ईरान का जो सिलसिला था वो उनके मफाद में नहीं था, तो उन्होंने उसको कूस हटा दिया, शहनशाह ईरान को प्लांट कर दिया। और फिर आपने देखा कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं अमेरिकन कंपनीज थी जिनको फायदे पहुंचे और उन्होंने वहां जाके ऑयल और तमाम सब चीजों पर वो इस्तेमाल किया और एक एक उनकी उनकी हुकूमत को तकवीत पहुंचाई ताकि वो हुकूमत करते रहे। सो ये बात बड़ी वाजह है कि हमें इस दुनिया में आजकल के दौर में ये जरूरी है कि आपको अपने अंदरूनी मामलात को समझने के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और उनकी जो तवक्कुआत हैं और उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनकी जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एंड देन आवर लीडरशिप हैज टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अभी तक हमने जो देखा पिछले 10-12-15 साल में हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने वही किया जो कहा गया, तो हमारे नाज़रीन को ये बड़ा वाज़ेह अंदाज से समझना चाहिए कि ये बहुत ही एक लंबी प्लानिंग है स्ट्रैटेजी है टू मेक श्योर दैट पाकिस्तान रिमेंस इन देयर हैंड्स एंड उनके पर इंसार करता रहे। सर एक चीज तो मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है जो लिटरेचर मैंने पढ़ा खासतौर पे जब मैं DSS का स्टूडेंट था पॉलिटिकल साइंस की तरफ आया तो वो कहते थे कि पाकिस्तान 3 A's की वजह से कायम है, अल्लाह आर्मी अमेरिका। तो अमेरिकन फैक्टर तो एक है और जिस तरीके से अमेरिकन ने हमें यूज किया और उसके बाद खासतौर पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वुड जो मुआहिदा हुआ जिसके बाद ये IMF और वर्ल्ड बैंक वजूद में आए और फिर हमने देखा कि डॉलर को जो है रेफरेंस करेंसी बना दिया गया। तो अब डॉलर्स वो छापता है अमेरिका, डॉलर की डिमांड है और वो कुछ भी ना करे तो वो डॉलर की जो डिमांड है वही उसके लिए काफी है उसकी इकोनॉमी को काफी हद तक सहारा देने के लिए कि डॉलर छापता जाए बिकता जाएगा डॉलर की कीमत ऊपर होती जाएगी। तो आप क्या समझते हैं हम जैसे मुल्कों को किस तरीके से ट्रैप किया गया है कि हमारी इकोनॉमी को भी कभी बढ़ने नहीं दिया गया, हमें उन नजरियात पे डाला गया जो कि हमारे हालात के मुताबिक नहीं थे और उसके बाद एक चीज को और अमेरिका के अंदर तो काफी थिंक टैंक्स भी काम कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी के फ्रोग के लिए काम कर रहे हैं
और डेमोक्रेसी जो है वो तो कैपिटलिज्म का बच्चा है। और एक हैरत अंगेज बात है सर, थोड़ी सी लंबी तमीज बांध रहा हूँ, कि एक हैरत अंगेज बात है कि अगर आप लिबरलिज्म की थ्योरी उठा के देख लें, आप जो है आइडियलिज्म की थ्योरी उठा के देख लें, आप रियलिज्म की थ्योरी उठा के देख लें, आप जितनी भी आईआर की अप्रोचेज हैं सबकी बुनियाद सोशल डार्विनिज्म पे हमें नजर आती है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें इंटेलेक्चुअली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इस कदर मैनिपुलेट और इतना वो डिसओरिएंटेड कर दिया गया कि आज हम इस सिचुएशन पे बैठे हुए हैं जहां पे आज हैं? जी हाँ, बहुत बहुत ही रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसका ताल्लुक इंटरनल डायनेमिक्स है। देखिए, आपकी जो शुरुआत होती है पाकिस्तान बनने के बाद, यू गो इनटू द ग्रुप सेंटो सीटो और इन तमाम चीजों के साथ आप वेस्टर्न अलायंसेस बनाते जाते हैं, और ये एक तासर मिलता है कि जैसे कि आपकी जो डेवलपमेंट है और आपकी जो बका है इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस, उसमें ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा आपका जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ। हालांकि आपने बिल्कुल सही निशान देगी, अमेरिका ने हमें डे वन से आज तक हमेशा सिर्फ यूज किया, इस्तेमाल किया, एंड वी हैव नॉट गेन्ड एनीथिंग आउट ऑफ इट, एनीथिंग। 71 वॉर देख लीजिए, 65 वॉर देख लीजिए, हेनरी किशन की किसिंजर की किताब जो है माय इयर्स इन द व्हाइट हाउस, उसमें दो चैप्टर है इसके ऊपर, वो देख लीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान को बेयार मददगार छोड़ा गया। और 71 का खासतौर पर बांग्लादेश के क्रिएशन में अमेरिकन का क्या किरदार था, दे हैड डिसाइडेड हाउ टू डू अवे विद द टू विंग्स। तो ये चीजें जो है बड़ा क्लियरली है, और आजकल के नौजवान को ये बहुत जरूरी है समझना, खास करके जो हम जिनके हाथ आगे हमारे कौम की लीडरशिप है, उनको इस पर तवज्जो देने की जरूरत पड़ेगी कि ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक लानत के साथ साथ बहुत बड़ा खतरा है। मैं यहां तक कहता हूं कि टुडे इफ आई हैव टू चूज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका एज द नंबर वन एनिमी, आई वुड गो एज अमेरिकन बीइंग नंबर वन एनिमी। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन के पास दो चीजें हैं जिसके जरिए आपको वो हिट करेंगे और करते हैं। नंबर वन इकोनॉमी, आपको जो वर्ल्ड बैंक और IMF और इसके जरिए जो आपको उन्होंने काबू किया हुआ है, इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया कैन ओनली यूज वन थिंग, दैट इज अटैक। उसके अलावा ये अमेरिका दोनों काम कर सकते हैं। ये अलग बात है कि बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, वो इस चीज की तरफ आने से पहले कई बार सोचेंगे कि अटैक करना कि नहीं, लेकिन इकोनॉमी आपकी जो है वो बढ़ने नहीं दे रहे। अभी सबसे बड़ा जो उनके लिए खतरा बन गया है वो ये कि चाइना ने आके जो IMF का नेटवर्क था दुनिया में जो नेटवर्क था, ये वो BRI और CPAC और इससे और जो दूसरे मुल्कों को ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो टर्म एंड कंडीशन दे रहे हैं, उससे उनको निजात मिल रही है। तो अमेरिकन फाइंड देमसेल्व्स इन अ सिचुएशन की अगर इसको कामयाब होता हो जाता है तो उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत श्रिंक कर जाएगा, कम रह जाएगा, बिकॉज जिन जिन मुल्कों के साथ चाइना के ये इकोनॉमी की ट्रेड और रिलेशंस बढ़ेंगे, उनको वो सहायता मिलेगी जो कि उनको और नहीं मिल सकती। देर इज नो एक्सप्लॉयटेशन, देर इज नो अदर थिंग एक्सेप्ट दैट चाइना का जो बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि दैट वो गोइंग फॉर अ डेवलपमेंट, सब जो जो मुल्क में कमजोरियां हैं उनको वो उठाना चाहता है इकोनॉमी के लिहाज से, और उनको साथ मिला के चलना है। तो ये बड़ा वाजे फर्क है, एंड वी हैव टू नाउ मेक अ वेरी कंसर्टेड डिसीजन। बिलाल साहब, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू मेक, कि हमारी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में एक बहुत ही क्रूशल स्टेज पर आ गए हैं, जहां पर वी हैव टू से गुड बाय। गुड बाय का मतलब ये नहीं कि आप जंग करना शुरू कर दें, गुड बाय टू द अमेरिकन इन्फ्लुएंस, एंड यू मस्ट टेक अ वेरी स्ट्रांग पोजिशन इन सपोर्ट ऑफ द चाइनीज डेवलपमेंट। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है इसको देखते हुए, यू हैव टू लीड, आई रिपीट, पाकिस्तान हैज टू लीड चाइनीज इन टू अफगानिस्तान और उनके तमाम जो मसले मसाइल हैं उनको हल करे और उसको एक स्टेबिलाईजेशन दे, जो अमेरिकन नहीं करने देंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं चाहता था कि आपके जरिए आवाम को पता चले। सर, एक चीज तो वाज है, आपने किसी को कंट्रोल करना उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर दी, हमने टूल बना लिए, IMF बना दिया, हमने जो है वर्ल्ड बैंक बना दिया जिसकी वजह से इकोनॉमी को टूल जो है कंट्रोल करें। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की आपने बात की, हमें कर्जे लेने पड़े कर्जे उतारने के लिए, यानी कि
दलदल के अंदर आप मजीद कदम बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में सर थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमारी तरह की जो कंट्रीज हैं तो ऐसे उलझा दिया गया है कि एक तरफ उन्हें नजरियात दिए गए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्लांट, डेमोक्रेसी, और दूसरी तरफ जहां पे एक पीएचडी स्कॉलर है उसका वोट जो है एक जो है चर्सी के साथ मिला दिया गया कि जिसको कुछ भी नहीं दुनिया का पता उसका भी एक वोट और ये पीएचडी स्कॉलर का भी एक वोट, और उसको फिर ऐसा कर दिया गया कि शायद दीन पे कॉम्प्रोमाइज आप कर सके, जमहूरियत पे कॉम्प्रोमाइज करने के अब आप रवादार नहीं रहे। तो ये तो सर एक ऐसा वो लेबरेंथ है कि जिससे निकलना जो है हम जैसे मुल्कों के लिए बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि जो मौजूदा हालात में ये जो थर्ड वर्ल्ड है ये किस तरीके से अपने आप को सॉवरन कह सकती है? देखिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। एक पीएचडी जो है वो न सिर्फ एक वोट और एक टैक्सी वाले के साथ रिक्शे वाले के साथ एक बराबर कर दिया, बल्कि इससे भी एक कदम आगे चला गया कि ये पीएचडी जाके एक वोट देता है अपने टैक्सी वाले को जो कि एमएलए बन जाता है और वो फिर इनके ऊपर हुकूमत करता है आके। दिस इज दी डिलेमा। आप देख लीजिए जितने भी आपके एमएलए एमपीएस बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, खास हमारे यहाँ भी और बाकी जगहों पर भी, उनकी क्वालिफिकेशंस और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द इश्यूज एज कम्पेयर टू जो वोटर्स हैं जो जाके वोट देते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए ये सॉवरेनिटी का लफ्ज जो है ये बहुत ही मुश्किल चीज बन गया रह गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। बिकॉज आपने अभी देखा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा लगाया है उसकी कितनी कीमत अदा करते चले आ रहे हम, और अभी तक वो उस पर कायम है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बात यह है कि ये सॉवरेनिटी को रिस्टोर करने के लिए आपको जिस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, मैं अपनी बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान हैज दी पावर, आई ऑलवेज रिपीट, पाकिस्तान हैज दी पावर, इट ओनली नीड्स अ बोल्ड लीडरशिप टू टेक द एक्शन कि भाई हमारी वीकनेस इकोनॉमी है, ठीक है, आपकी वीकनेस इसराइल है, हमने दो मिसाइल लगा के रखे हुए, यू हिट माय इकोनॉमी, यू हिट माय वीकनेस, आई हिट योर वीकनेस। सर वी हैव टू बी वेरी क्लियर। सर एक मैं सॉरी आपको यहाँ पे जो है दरमियान में आ रहा हूँ। सर जब अवाम जो है उसे रोजी रोटी के अंदर इतना ज्यादा उलझा दिया गया, ऊपर से डोरियां हिल रही हैं, नीचे हालत ये है कि नीचे अगर आपकी कोई लीडरशिप आती है वो कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अंदर आपके इम्यूनिटी कभी बढ़ने नहीं दी गई कि इम्यूनिटी बढ़ गई तो ये हमारे प्रेशर को जो है नहीं संभाल सकेंगे, और हालत ये हो जाती है कि आपकी अवाम के सामने चीजें हैं वो यानी कि मैं ये पोलिटिकल फोरम नहीं, आप जानते हैं कि मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कितना भागता हूँ, कि वो कहते हैं कि जी खांदे ते लांडा भी है। जब आप की इकॉनमी को बुरा करके आपके मोरालिटी का लेवल इस हद तक लो कर दिया जाए कि जहां पे हक और बातिल की आपके अंदर जो है सोच खत्म हो जाए, फिर आप बात करते हैं करप्शन की। थर्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मसला है वो करप्शन है। जितने करप्ट अनासिर आपको नजर आएंगे पूरी दुनिया के अंदर वो आपको नजर आएंगे, या तो वो लंदन में रह रहे हैं, या वो अमेरिका में रह रहे हैं, या वो फ्रांस में रह रहे हैं। इट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ कलोनियलिज्म। पहले तो हम फिजिकली गुलाम थे और गुलामों वाली सोच थी, आज फिजिकली तो उन्होंने छोड़ दिया है लेकिन रूहानी तौर पर जहनी तौर पर हमें ऐसा जकड़ लिया है कि शायद वो फिजिकल गुलामी के अंदर हम ज्यादा आजाद ख्याल थे और आज नहीं है। तो सर इस सिचुएशन से निकलने का क्या तरीका होगा, क्या रिफॉर्मेशन की जरूरत होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही और उसका जवाब भी बड़ा मैं ब्लंट दूंगा, बड़ा सही दूंगा, लोगों को इससे एग्री करे या ना करे। देखिए मैं बार बार चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि ये इस जंगल से या इस जंगल से निकलने के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन चाहिए आपको। आप जब तक अपने आप को जहनी तौर पर, क्योंकि जैसे जिस्म के दो से एक फिजिकल है और एक रूहानी है, तो फिजिकली अगर आप एक कैद हो जाए वो अलग बात है, जब जहनी तौर पर अगर कैद हो जाए तो वो बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो अभी हमारी जो लीडरशिप है उसको ये शैकल्स, जहनी आजादी के शैकल्स तोड़ने में टाइम लग रहा है। द डे दे ब्रेक दिस शैकल फिजिकल प्रॉब्लम सारी जो है खुद ब खुद बैठ जाएगी। तो अनलेस वी हैव अ बोल्ड लीडरशिप एंड टेल अमेरिकन्स की ऑलराइट फाइन वी डोंट केयर इफ यू डोंट वांट टू हमारी जो सॉवरेनिटी को आप हमें नहीं करने देंगे, हमने कह दिया एब्सोल्यूट नॉट, तो वी विल बी रेडी टू फाइट, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएन के असेंबली में कहा था कि वी विल फाइट, सो लेट्स मेंटली ब्रेक दोस शैकल्स एंड लेट्स बी रेडी। सर उसमें फिर जो मुझे जो जिस बात पे होता है ना सर वो ये है कि चले एक बोल्ड लीडरशिप तो वो एक एलिमेंट हो गया आपकी नेशनल पावर का,
इसमें कुछ जो है आपकी इकोनॉमी इसको अगर गिरी हुई है, हमारी हालत ये है कि करेक्टर जिसे कहते हैं, मैं बड़ा शरीफ बंदा हूं क्योंकि अभी तक मैं करप्शन पे मेरा हाथ नहीं पड़ सका। वो कहते हैं कि मैं एक रिलीजियस स्कॉलर के साथ एक दफा मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कौम की किस्मत में तबाही आ जाती है जब उसका इंटेलेक्चुअल तबका जो है ना वो करप्ट हो जाता है। और आप जानते हैं कितने बड़े बड़े नाम हैं लेकिन करप्शन की वो किस लेवल पे पहुंचे हैं। हम में से कोई भी वो हजरत अली के अगर कॉल के मुताबिक देखें तो कौम के अंदर कोई बंदा भी अपने मकाम पे आने के लिए नहीं है। मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके साथ बच्चे बैठे हुए हैं सख्त गर्मी के अंदर, किसी का प्रोटोकॉल लगा हुआ है, आपको वहां पे रोक दिया जाएगा। आप आधा आधा घंटा खड़े रहेंगे, ठीक है वो वीआईपी है, उसकी सिक्योरिटी बहुत अजीज है भाई, आप 5 मिनट पहले रोको, 15 मिनट आपको वो खड़ा रखेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि सर जब आपकी सोच ही उन्होंने कब्जा कर लिया है तो सर उस सोच को तब्दील करने के लिए क्या स्टेप्स होंगे कि हम उसमें से निकलें, क्योंकि कौम बनेगी तो लीडर का फायदा होगा, लेकिन अगर कौम ही इस पे होगी कि टमाटर जो है वो 160 रुपए किलो हो गए हैं तो भाई ये तो खा गया इसे, नॉट रियलाइजिंग के इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या सिचुएशन जा रही है, तो सर हम तो फिर वो ये एक ही दायरे के अंदर घूमते रहेंगे। देखिए जो आपने पहला पार्ट जो सवाल किया था उसका जवाब दूं, सिक्योरिटी और लोगों को तकलीफ होना, रास्ते रोक देना, ब्लॉक करना कि वीआईपी जा रहा है। मुझे बताइए अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कोट शोट पहना हुआ है, ग्रोसरी स्टोर में खड़ा हुआ खरीदारी कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बच्चे को गोद में उठाया हुआ बीवी के साथ घूमना फिरा जाता फिरा, उसके उनकी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। ये गुलामानी जहनीत जो थी अमरीका उनके जाने के बाद ये यहाँ इंस्टॉल करके चले गए कि ये उनसे ज्यादा कॉलोनियल ट्रीटमेंट दे रहे अपने अपने आवाम को, जो गोरे देते थे उससे कहीं ज्यादा दे रहे। लेट्स गेट दैट थिंग, अगर आप इलेक्ट मैं इलेक्ट होके आता हूँ, मुझे जो वोट दे है और आपने मुझे आगे भेजा तो मुझे आपसे क्या खतरा भाई, आपके साथ मुझे इंटरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं प्रॉब्लम। बात यह है कि उन्होंने उस वो डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो डिस्टेंस रखना ताकि उनकी तरफ से आपके जहनों पर एक वो जो गुलामाना रिस्पांस की जरूरत है वो आप देते रहे कि जी उन्होंने कह दिया हम क्या कह सकते। नो, या अगर सही मानों में पहले इंटरनल डेमोक्रेसी इज अ इवल दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को अगर आप गौर से देखें ये उन्हीं का बच्चा है नाजायज, जिस तरीके से वो चल रहे। एंड यू हैव टू अडॉप्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो कि आपके लिए कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में आपको आगे लेके जाएगा। सर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है और जाते जाते सिर्फ मैं आपकी इजाजत से ये कहना चाहूंगा कि वो कि मन आरफा नफसी फकत आरफा रब्बी, मसाइल बहुत ज्यादा हम जैसे ममालिक के कोई शक नहीं है, हमारे ऊपर जो इस्तेमार की ताकतें हैं वो बहुत हावी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अगर तो हम जाग जाते हैं और अगर हम कुएं के मेंढक बन के नहीं रहना चाहते बल्कि हम समंदर का नजारा करना चाहते हैं और अपने उस कुएं से निकल के देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और उस दुनिया के में जो कुछ हो रहा है उसके असरात हमारे ऊपर कैसे आ रहे हैं, तो यकीनन हमारे सामने एक वाज़े पिक्चर नज़र आएगी। जब वाज़े पिक्चर नज़र आएगी तो हमें झूठे सहारों की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि हम अपनी ताकत से मिलके उन बैरियर्स को क्रॉस करेंगे जिन बैरियर्स के अंदर हमें कैद रखने की कोशिश की जा रही है। सब कर्जे भी उतर जाएंगे, तमाम मसाइल भी हो जाएंगे, सिर्फ अपने मकसद की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी को आगे से धक्का लगाते हैं तो वो चलेगी, लेकिन अगर साइड से धक्का लगाएंगे तो वो उलट जाएगी। तो साइड से धक्का ना लगाएं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करें, किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, किस तरीके से मीडिया मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरीके से सियासतदान मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर, आप सोशल मीडिया की भी टीमें बन रही हैं मुख्तलिफ पार्टीज की, और जो जितने पैसे लगा रहा है उतनी जल्दी वो लोगों के माइंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो वेक अप, क्योंकि हु लिव्स इफ पाकिस्तान डाइज एंड हु डाइज इफ पाकिस्तान लिव्स। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।